इन इलेक्शंस के पहले फेज का नॉमिनेशन भरने का आखिरी दिन है और लगातार तीन दिन जो छुट्टियां रहीं उस बात का नतीजा ये है कि लगभग हर कैंडिडेट जो है वो आज अपने कागज भरने का काम कर रहे हैं। हमारे भी तमाम उम्मीदवार अब एक एक करके आज अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे। हमने अपना मैनिफेस्टो, अपना रोड मैप, अपना प्रोग्राम लोगों के सामने रखा हुआ है। हमने कांग्रेस के साथ एक सीट शेयरिंग अग्रीमेंट वो भी तय किया। कोशिश हमारी ये रही कि बीजेपी और बीजेपी के साथ मिले हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ हम एक कंसोलिडेटेड फ्रंट के तौर पे मिलके ये इलेक्शन लड़ें ताकि कामयाबी की जो गुंजाइश है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। इसमें मुझे इस बात का एहसास है कि कई सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने पिछले 5-10 साल बहुत मेहनत की और जो तमन्ना रखते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर इलेक्शन लड़ना और जो उम्मीद भी रख रहे थे, लेकिन इस सीट शेयरिंग में बदकिस्मती से उनमें से कुछ रह गए। हमें उस बात का अफसोस भी है। हम चाहेंगे कि आगे जाके किसी न किसी तरह जो है उनकी जो है एडजस्टमेंट हो जाएगी और वो भी न सिर्फ जमात की बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत जो है करते रहेंगे। अंदरूनी खलबशारी पैदा हो चुकी है। कहाँ पे ना? आपकी पार्टी में अंदरूनी कहाँ पे? शोपियां की बात करें, त्राल की बात करें, कोई बात नहीं, ये होता है। तारिक शवीरी के घर वापसी के बाद बिजबिहारा में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहाँ पे देख रहे हैं? इस इलेक्शन में और खासकर अगर मैं बिजबिहारा की सीट की बात करूं तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये नहीं है कि बशीर को मैंडेट मिला है। मुझे खुशी सबसे ज्यादा इस बात की है कि उनका भाई वापस आया। सियासत की वजह से किसी के घर में दरार हो या किसी के घर में तनाव हो अच्छी बात नहीं है और मैं ज़ाती तौर इस चीज़ को जानता हूं क्योंकि सियासत ने हमारे घर में वक्तन फवक्तन तहस नहस किया है। इन दोनों भाइयों को आज एक साथ देखते हुए दिल खुश हुआ और इसका इलेक्शन में अगर बशीर को फायदा हुआ ना हुआ मुझे उस बात से गर्ज नहीं है। घर इनका एक साथ है, भाई दोनों एक साथ हैं, मुझे खुशी उस बात से है।